कि आप लोगों को दोस्त और दुश्मन का फर्क समझना होगा। दोस्त और दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, यह समझना होगा। क्योंकि आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में केवल दो खाने बनाए जा रहे हैं, एक हिंदू का एक मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। जो मुसलमान नहीं वो सारा का सारा हिंदू है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो नहीं है वो बनाया जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे जागृति खत्म हो जाएगी, इससे दोस्त और दुश्मन का, वास्तविक दोस्त और दुश्मन का फर्क खत्म हो जाएगा। वो लोग एससी एसटी ओबीसी को समझाएंगे कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, केवल एक बार नहीं कहेंगे, डेली कहेंगे, हजार बार कहेंगे। तो हमारे जो लोग हैं या तो अनपढ़ है, या तो जाहिल है, या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उससे ज्यादा खतरनाक आधे पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि बीजेपी के पीछे जो लगे हुए लोग हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस के पीछे जो लगे हुए लोग हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बजरंग दल में शामिल लोग हैं वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। वो अपना अपनी बोली नहीं बोलते हैं, वो अपने दुश्मनों की बोली बोलते हैं। क्योंकि उनको अपनी बोली क्या है, दुश्मनों की बोली क्या है, यही समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, ब्राह्मणों ने उनको समझाया मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, कैसे, मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, जिस वर्ण व्यवस्था ने हम लोगों को शूद्र बनाया, शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया, अधिकार वंचित करके गुलाम बनाया, ये वर्ण व्यवस्था जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, ये वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई। तो फिर मुसलमानों ने अगर नहीं बनाई तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे है? जो दुश्मन नहीं है वो दुश्मन है, ऐसा हमारे अंदर प्रचार करके बताया जा रहा है। और केवल बताया नहीं जा रहा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया हुआ है, माना है। जो वास्तव में नहीं है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। जाति व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, जिस जाति व्यवस्था ने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, और इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए कि किसी भी एक जाति की संख्या हमें ब्राह्मणों की संख्या से ज्यादा होती हुई दिखाई नहीं देती। तो इससे क्या होता है, संख्या की भावना के आधार पर हमारे अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, हीन भावना डेवलप होती है कि हमारी संख्या तो थोड़ी है, इसलिए हमारे जाति की संख्या तो थोड़ी है, इसलिए हम लड़ने के लायक नहीं है। और जब हम लड़ने के लायक नहीं है तो हमें ब्राह्मणों के सामने लड़ना नहीं चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो हमारे अंदर शरणागति का भाव पैदा करती है ये जाति व्यवस्था, संघर्ष करने की भावना पैदा नहीं करती है। यही वजह है कि उन्होंने तोड़ने का काम किया तो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जागृत हैं, सामाजिक रूप से जागृत है, हम जाति के रूप से जागृत नहीं है, हम सामाजिक रूप से जागृत है। जाति की जागृति और सामाजिक जागृति में अंतर है, यह भी बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। जाति के जागृति को ही लोग सामाजिक जागृति मान लेते हैं,
जो बहुत ज्यादा गलत है। जाति का गर्व, जाति का गौरव जागृति नहीं, गुलामी का गौरव है, गुलामी का गर्व है। तो इस तरह से जिन्होंने इस तरह की भावना पैदा की जाति व्यवस्था ने, वो मुसलमानों ने नहीं बनाया, तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? मगर उन्होंने लगातार झूठ का प्रचार करते हुए बहुत सारे लोगों से ये बात मनवाया और लोग हमारे मान रहे हैं। एक ही समय में रामायण में राम भी है और हनुमान भी है। हनुमान को पूछ लगाया, वो इंसान की तरह बोलता है रामायण सीरियल में, जैसा राम बोलता है वैसा ही हनुमान बोलता है। अगर जैसा राम बोलता है वैसा ही हनुमान बोलता है तो हनुमान को पूछ क्यों है और राम को पूछ क्यों नहीं है? अगर एक ही समय के लोग हैं और एक ही तरह का बोली बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, तो हनुमान को पूछ क्यों है और राम को पूछ क्यों नहीं है? अगर दोनों समकालीन थे तो हनुमान को पूछे, तो अगर आपका यह कहना है कि उस समय के लोगों को पूछ हुआ करती थी तो थोड़ी सी पूछ राम को भी लगा देते तो मानते थे, हां उस समय के लोगों को पूछ हुआ करती थी। चलो हनुमान को ज्यादा बड़ी पूछ लगाया, इतनी बड़ी पूछ आप राम को ना लगाते, थोड़ी छोटी लगाते, तो हम आपकी बात स्वीकार कर लेते, मान लेते, मगर हमारे हनुमान को आपने पूछ लगा दिया और तुम्हारे राम को पूछ नहीं लगाया, ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम हमको जानवर बताना चाहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, रामायण कहता है हनुमान एक राज्य का राजा था। अगर हनुमान राज्य का राजा था तो जानवर राजा कैसे हो गया? ये समझने से बात है, ये उन्होंने ही लिखा हुआ है। जिन्होंने लिखा उनके पास बुद्धि थी या नहीं थी पता ही नहीं चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बातें जो तर्क पर, दलील पर, तथ्य पर सिद्ध नहीं हो सकती, उसे वो मनवा रहे हैं और हमारे अंदर के कुछ लोग इस बात को मान रहे हैं, तो वो हमारे ही विरोध में हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक जागृति है, इसे प्रति जागृति कहा जा सकता है। प्रति जागृति से प्रतिक्रांति होती है, जागृति से क्रांति होती है, तो प्रति जागृति से प्रतिक्रांति होती है। हम प्रतिक्रांति के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये काम भी मुसलमानों ने नहीं किया। तीसरी बात, अस्पृश्यता का निर्माण ब्राह्मणों ने और ब्राह्मण धर्म ने किया। और जानवर को स्पर्श करने वाले लोग इंसानों को स्पर्श करने से मना कर रहे हैं, तो सिद्ध होता है अस्पृश्य लोगों को उन्होंने जानवरों से भी बदतर बनाया। ये काम उन्होंने किया, ये काम मुसलमानों ने नहीं किया। मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे? मगर ये बात भी हमारे लोग मानते हैं, नॉमेडिक टाइप के लोग जो हैं उनको बहिष्कृत किया, ये काम भी मुसलमानों ने नहीं किया। आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ये काम भी मुसलमानों ने नहीं किया। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को दास और गुलाम बनाया और अधिकार वंचित किया, ये काम भी मुसलमानों ने नहीं किया। किसी भी सिद्धांत के आधार पर मुसलमान हमारे दुश्मन है नहीं।
इसका मतलब है इस बात को जानना, इस बात को समझना सामाजिक जागृति है। इससे पता चलेगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। उसी तरह से इतिहास को जानना होगा, इतिहास को समझना होगा। इतिहास को जानने और समझने से सामाजिक जागृति आएगी। इतिहास को जानने से क्या होगा, सामाजिक जागृति आएगी। किस तरीके से जानना होगा, तो इतिहास को मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं जिससे पता चलेगा। ये ब्राह्मण हमको इतिहास पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं आज सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है। यदि सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान की समस्या है, हम तो नहीं मानते हैं, मगर बहस के लिए, चलो चर्चा के लिए इसको मुद्दा बनाते हैं। मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद, आगमन होने के बाद हिंदू मुसलमान की समस्या पैदा हो गई, चलो इस बात को स्वीकार करते हैं। मगर जब मुसलमान भारत में थे ही नहीं, तब तो फिर हिंदू और मुसलमान की समस्या भी नहीं थी। जब भारत में मुसलमान थे ही नहीं, आए ही नहीं थे, तो फिर हिंदू और मुसलमान की समस्या भी नहीं थी। जब हिंदू और मुसलमान की समस्या ही नहीं थी, तो फिर कौन सी समस्या सबसे बड़ी थी, फिर कौन सी समस्या सबसे बड़ी थी। जब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बड़ी समस्या थी, तो उस समय जब मुसलमान नहीं आए थे, तो फिर कौन सी लड़ाई थी। तो लड़ाई थी ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म, ब्राह्मण धर्म विरुद्ध बुद्ध धर्म, ये लड़ाई थी। तो क्या ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई आज खत्म हो गई। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिनको आज एससी एसटी ओबीसी कहा जाता है, ये लोग आज भी ब्राह्मण धर्म से लड़ रहे हैं। तो लड़ाई आज भी नए स्वरूप में, नए तरीके में बरकरार है। इसको जानना, इसको समझना इतिहास की जागृति, जानना समझना है। तो इसलिए साथियों, सामाजिक जागृति के कई पहलू है, इस पर बहुत विस्तार से जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।